आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडियन्ना के बारे में, जहां पर आप लोग क्रिकेट, फुटबॉल और 160 प्लस गेम्स खेलकर लाखों और करोड़ों रुपए जीत सकते हो। 85 से ज्यादा ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है और इस पे आपको 24/7 विदड्रॉ का ऑप्शन भी मिलता है। इसके साथ ही आपको इसमें डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी नीचे दिए गए पिन कमेंट से आप लोग इन्हें व्हाट्सएप और टेलीग्राम कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। दोस्तों, आज 27 मार्च और आज खेला जाएगा टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और टीम पंजाब किंग्स के बीच में मुकाबला। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा आरसीबी और पंजाब की टीम के मैच से पहले तीन बहुत ही बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। आरसीबी की टीम के बारे में बहुत ही बड़ी अपडेट्स है, तो अगर दोस्तों आप भी आरसीबी की टीम के फैन और अपडेट जानना चाहते हो तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला हो चुका है। केकेआर की टीम ने सीएसके की टीम को बड़ी ही आसानी से उस मुकाबले में हरा दिया है। हम सभी ने देखा कि टॉस फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट उस मुकाबले में बना, जहां पर केकेआर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बड़ी आसानी सीएसके की टीम को आईपीएल 2022 के पहले मुकाबले में मात दे दी। अब आज हम सभी को देखने को मिलेगा आरसीबी और पंजाब की टीम के बीच मुकाबला, जो कि आज शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। आज के दिन का दूसरा मुकाबला यह रहेगा, पहला मुकाबला दिल्ली और मुंबई के बीच दोपहर में खेला जाएगा, जिसके बाद शाम को आरसीबी और पंजाब की टीम भिड़ेंगी। पहली बड़ी अपडेट दोस्तों निकल कर आ रही है फॉरन प्लेयर्स अवेलेबिलिटी को लेकर। दोनों ही टीम यानी कि आरसीबी और पंजाब की फाइनल लिस्ट निकल कर आ चुकी है कि कौन कौन से खिलाड़ी अनअवेलेबल है। आरसीबी की टीम की हम बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल, जॉस हेजलवुड और जेसन बेरेंडोफ आईपीएल 2022 का आरसीबी की टीम का पहला मुकाबला आज मिस करेंगे। वहीं पर पंजाब की टीम के मेन बॉलर यानी कि कगिसो रबाडा और साथ ही में बैट्समैन जॉनी बेस्टो आज आईपीएल 2022 में पंजाब की टीम के लिए पहला मुकाबला मिस करने वाले हैं और दोनों टीमों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। आरसीबी की टीम की बात करें तो आरसीबी की टीम के पास रिप्लेसमेंट काफी अच्छे हैं, वहीं पंजाब की टीम के पास कगिसो रबाडा और जॉनी बेस्टो जैसे खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट नहीं है, तो यहीं पर आरसीबी की टीम को बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज मिला है। अब दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें जो कि पंजाब और आरसीबी की टीम के मैच से जुड़ी है, ये दोस्तों खबर जुड़ी है नए कप्तान को लेकर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2022 में आप सभी को पता है कि आरसीबी की टीम की कप्तानी फाफ डु प्लेसिस करेंगे, वहीं पर पंजाब की टीम की कप्तानी मयंक अग्रवाल को सौंपी गई है। दोनों ही दोस्तों ओपनर है और दोनों ही अपनी अपनी टीमों के कप्तान भी है और पहली बार ऐसा होगा कि आरसीबी और पंजाब की टीम एक नए कप्तानों के साथ हम सभी को आज मुकाबला खेलती हुई दिखेगी। दोनों ही तरफ के फैंस एक्साइटेड है क्योंकि दोनों टीमों के नए कप्तान हम सभी को दिखने को मिलेंगे। तीसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो आरसीबी की टीम के खिलाड़ी विराट कोहली को लेकर आई है। तो आईपीएल 2022 के आज पहले मुकाबले में विराट कोहली आरसीबी की टीम के लिए कौन से नंबर पर खेलेंगे, इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। दोस्तों, पहले आरसीबी की टीम काफी कंफ्यूज थी कि विराट कोहली ओपन करे या नंबर 3 पर खेले, लेकिन जो आरसीबी की टीम ने प्रैक्टिस मुकाबले खेले उसमें हम सभी ने देखा फाफ डु प्लेसिस के साथ अनुज रावत ने बहुत ही शानदार बैटिंग करी, जिसके बाद आरसीबी की टीम की जो मैनेजमेंट है उनको अनुज रावत की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा पसंद आई और काफी इंप्रेस हुआ अनुज रावत से हुए, जिसके बाद आज हम सभी को फाफ डु प्लेसिस के साथ में अनुज रावत आरसीबी की टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। और एक और रीजन जो है कि नंबर 3 पर विराट खेलेंगे वो ये है कि ग्लेन मैक्सवेल आज अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए आरसीबी की टीम के मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो कि मिडिल ऑर्डर के आरसीबी की टीम के आज लीड कर सके। तो विराट कोहली का नाम सबसे पहले आता है और बहुत से क्रिकेटर्स का ऐसा मानना भी है कि विराट कोहली को आज मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए, नंबर 3 की पोजीशन उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो ये थी दोस्तों मैच से पहले आ रही दोनों टीमों की तरफ से तीन बहुत ही बड़ी अपडेट्स। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा आज मुकाबला, आप लोग कमेंट करके बताइए। आरसीबी की टीम की अपडेट आपको सीधा हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।